अभी हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की, अब हम बात कर स्ट्रक्चर पर आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है एटम का, सबसे पहले हमारे जो जे जे थॉम्सन थे, ठीक है, जे जे थॉम्सन ने स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे पहले जो मॉडल है एटम का, ठीक है, वो यहाँ पर प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि जो एटम है उनके अकॉर्डिंग जो है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, पूरा फैला हुआ है इस तरह से। एक तरह से आप मान सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, वो धनावेश का गोला है। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक धनावेश का गोला है, ठीक है, और जिसके अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम जो है पॉजिटिव चार्ज का एक स्पीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर इस तरह से स्प्रेड है। ये उन्होंने मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इस मॉडल को इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, मतलब जैसे तरबूज होता है वाटरमेलन, उसको अगर हम बीच से काटें तो जो लाल वाला हिस्सा है वो लाइक पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके सीड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के जो कहीं कहीं पर आपको दिखाई देते हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इस तरह उन्होंने इस अपने इस मॉडल को प्रपोज किया, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि जो एटम है वो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो बाद में जब पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह का नहीं होता है, ठीक है, बट जब उन्होंने प्रपोज किया था तब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं होता है, ठीक। बट उन्होंने एक दो बातें थी जो सही बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका एटम होता है, ठीक है, पहली चीज तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये स्फेरिकल, इस स्फेरिकल के अंदर है, बट वो ये नहीं बता पाए कि जो प्रोटॉन होता है वो इस तरह से सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो मॉडल है ये ज़्यादा वर्क नहीं किया और जल्दी ही इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो आने लगे। फिर रदरफोर्ड ने फाइनली एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया जिसको कि काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज़ किया गया और वो आज के मॉडल की तरह ही बहुत हद तक सही भी था, ठीक है। क्या मॉडल प्रपोज किया कि रदरफोर्ड की जो टीम थी, देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो साइंटिस्ट वो अकेला तो करता नहीं है, उसका पूरे कलीग वगैरह टीम होती ही है उसकी। तो रदरफोर्ड की टीम ने और रदरफोर्ड ने मिलकर के ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखो उन्होंने एक सोर्स लिया। एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे थे, और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर काम करते हुए उनको ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, जो फाइन शीट होती है मेटल्स की, उनके अंदर से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि ये जो क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर रदरफोर्ड ने ये पूरा सेटअप बनाया और फिर अपना एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अब कैसे किया वो देखो, यहां पर उन्होंने क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होता है, हमें पता है कि इसका जो वेट है वो कितना होता है, 4 AMU होता है, और जो इसका चार्ज है वो भी कैसा होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज है और साथ ही में कैसा है, हैवी भी है। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब ये सोर्स कहाँ से लेकर आए, वो सोर्स जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है वो अपने अंदर से अलग अलग तरह का रेडिएशन हमेशा इमिट करता रहता है, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, हमने पढ़ा ही है। तो वहां पर उन्होंने एक कॉन्क्रीट के बॉक्स के अंदर, जो कि लगभग कैसा था, 2 फीट हर तरफ से, वो 2 फीट मोटा था, ठीक है, मतलब 2 फीट की उसकी वॉल भी थी, 2 फीट का उसका फ्लोर भी था और 2 फीट मोटा उसका रूफ भी था, छत भी था, हर तरह से वो 2 फीट के डायमेंशन में बहुत ही स्ट्रांग जो था बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर जो है हमारा क्या रखा गया, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो उसको सेफ्टी से रखना ही पड़ेगा, नहीं तो रेडिएशन की वजह से जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। आज भी आप देखोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही सेफ्टी के साथ काम करते हैं, ठीक है। जो रिएक्टर के अंदर जहां पर भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है,
उसके चारों तरफ ठीक है कई कई फीट मोटी दीवारें होती है ताकि रेडिएशन बाहर ना जा सके। तो वैसे ही उन्होंने एक छोटे से बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया और उसके अंदर जो है वो अल्फा पार्टिकल के सोर्स को उन्होंने रख दिया। ठीक, अब ये जो आपका यूरेनियम है ये तो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट कर रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को बना रहा है, बाहर फेंक रहा है। फिर उन्होंने इस बॉक्स में एक छोटा सा छेद किया ताकि यहां से अल्फा पार्टिकल्स एक बीम के फॉर्म में बाहर आ सके। ठीक है, अगर पूरा बॉक्स ओपन होगा तो वो तो स्प्रेड हो जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा होल रखते हैं जिसकी वजह से कि अल्फा पार्टिकल हमें जहां चाहिए उसी डायरेक्शन में केवल बाहर निकलेंगे। क्लियर, तो अल्फा पार्टिकल्स एक रेस के फॉर्म में यहां से इस तरह से बाहर निकले। फिर उन्होंने क्या किया कि उस रेस को थोड़ा सा फोकस करने के लिए यहाँ स्लिट वगैरह का भी यूज किया। ठीक है, स्लिट का भी यूज किया, उससे भी फाइन शीट, तो फाइन स्लिट का यूज करके और उन्होंने रेस को अच्छे से फोकस कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसको गोल्ड की एक फाइन शीट, सोने की एक पतली जो चादर थी उसके ऊपर उन्होंने यहां पर अल्फा पार्टिकल को हिट करना शुरू किया और इसके चारों तरफ, इस गोल्ड शीट के चारों तरफ उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चारों तरफ जिंक सल्फाइड की लेयर जो है वो यहां पर कवर कर दिया जिंक सल्फाइड से, ताकि कोई भी पार्टिकल यहां टकराता है ये पूरी जो आपकी यहां से इसके चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से उन्होंने जिंक सल्फाइड का पूरा लेयर चढ़ा दिया। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है जिंक सल्फाइड का लेयर है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने जिंक सल्फाइड। क्या क्या हो गया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसके बाद में यहां पर जो है अल्फा पार्टिकल के जो बॉक्स है उसके अंदर उन्होंने होल किया जिससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद स्लिट से उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा फोकस कर दिया, फोकस करने के बाद जो है उसको कहां पर उन्होंने छोड़ा, गोल्ड की एक शीट के ऊपर, ये गोल्ड है। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है ये सीधे के सीधे निकल जाते हैं, मतलब यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ठीक है वो सीधे जाकर के पीछे जाकर के टकरा रहा है इस तरह से। ये देखिए, ये पीछे जाकर के टकरा गया, ये भी पीछे जाकर के टकरा गया, इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स इस शीट को क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, पीछे जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन बना हुआ है उसके ऊपर जाकर के टकरा रहे हैं। क्लियर, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा उनका, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि इन अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, मतलब इस तरह से विक्षेपित हो रहे हैं छोटे छोटे एंगल्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह से वो क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं कुछ एंगल्स। भाई ज्यादातर तो जो थे 99.9% अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, मतलब उनको किसी ने रोका ही नहीं, बट कुछ पार्टिकल्स जो थे वो कैसे हो गए, वो विक्षेपित हो गए छोटे छोटे एंगल्स पर, वो विक्षेपित होकर के और यहां से इस तरफ उनको टकराए, इस तरफ उनको जाकर उनका ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक, ये बात। तीसरी बात कि हजारों में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि हजारों में से कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न भी आया, मतलब इस तरह से टर्न बैक किया उसने, जहां से वो आया था वहीं पर वापस आया 180 डिग्री के एंगल पर। हजारों में से कोई एक, मतलब उन्होंने प्रॉपर नंबर भी दिया है कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स यहां से टकरा कर वापस आता है। ठीक है, 99% जो 99.9% तो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जो थे वो कुछ एंगल्स पर जाकर टकराए और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा का सीधा क्या आ गया, रिटर्न आ गया। क्लियर, अब इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, देखो ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कि ये डायग्राम अपने माइंड में रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो गोल्ड की शीट से जब टकराते हैं तो 99.9% सीधे निकल जाते हैं, उसमें से कुछ जो है वो स्मॉल एंगल्स पर डेविएट हो जाते हैं और कुछ जो है, कुछ मतलब 20,000 में से सिर्फ एक रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है। क्लियर,
तो अब मैं इसके ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। देखो पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, मतलब 99.9 अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विक्षेप के आर पार निकल जाते हैं गोल्ड की शीट के। ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ कि वो कुछ एंगल्स पर डेविएट हो रहे थे, तो सम अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, मतलब कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक छोटे छोटे एंगल्स पर वहां पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। डेविएशन का मतलब होता है विक्षेपित होना। ठीक है, ये जो सीधे जा रहे थे फिर गोल्ड की शीट आई तो वो इधर चले गए, मतलब ये छोटे छोटे एंगल्स पर जो है वो विक्षेपित हो गए। क्लियर। तीसरा कि वन इन 20,000, मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, टर्न बैक हो गया, मतलब वापस आ गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, ये टकराकर वापस आ गया। क्लियर, ये तीन उसके मेन ऑब्जर्वेशन थे। अब इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि देखो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जैसे ये एटम है, ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा एटम, तो अब 99.9 पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल रहे हैं, मतलब एटम में बहुत सारी खाली जगह है। ठीक है, जैसा कि जे.जे. थॉमसन ने कहा था कि एटम तो पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, मतलब वो तो पूरा भरा हुआ है, वैसा यहां पर नहीं है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो एटम है उसका ऑलमोस्ट पूरा जो हिस्सा है, कुछ हिस्से को छोड़कर वो सबका खाली है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न भी आया है। ठीक है, तो एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे टकरा कर अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न आया है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद ही पॉजिटिव होता है, तो मतलब एटम के अंदर जिस चीज से वो टकराया है वो भी कैसी है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक, तो वो भी हम बोल सकते हैं। तीसरी चीज कि यहां पर उन्होंने कहा कि जो आपका अल्फा पार्टिकल जिससे टकरा कर वापस आ रहा है वो हजारों में से कोई एक है, मतलब कि ये बहुत ही छोटी जगह में है। ठीक है, और बहुत सारा न्यूक्लियस का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा कैसा है, खाली है। तो हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन क्या डाल सकते हैं। तो देखो पहला कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया, पहला कंक्लूजन उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हेलो, मतलब परमाणु का अधिकतर हिस्सा जो है वो खाली है। पहली चीज, तभी तो 99.9% जो कण थे वो बाहर निकल गए, तो परमाणु का ऑलमोस्ट सारा जो पार्ट है वो कैसा है, खाली है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, इससे मेन ऑब्जर्वेशन में हमको मिला था जो कि कुछ कण जो थे वो कैसे हो गए, वो रिटर्न आए थे, और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल्स पर भी गए थे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहली चीज तो ये तो खाली तो होता ही है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम वेरी स्मॉल स्पेस, मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह में है। ठीक है, क्योंकि 20,000 में से कोई एक ही पार्टिकल था जो लौट कर वापस आया था, तो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है तो सही। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को वो रिटर्न कर रहा है,
तो अल्फा पार्टिकल को रिटर्न कर रहा है, मतलब वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए है, बट कैसा है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में है। तीसरा कि अगर वो अल्फा पार्टिकल को रिटर्न कर सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वैसे ही बहुत हैवी पार्टिकल है, उसको रिटर्न कर रहा है मतलब वो हैवी भी है, उसमें मास भी है। तो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वहाँ प्रोटॉन के अलावा भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज हैव मास, उसमें मास भी है, मतलब वो हैवी है, तभी तो भाई वो उसको रिटर्न कर पा रहा है। अगर कोई हल्का होता तो अल्फा पार्टिकल उसको लेकर बाहर निकल जाता, फाइन। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें पहली चीज ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो खाली है, दूसरा कि जो एटम है ठीक है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह पर है, तीसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर मास भी है, उसके अंदर द्रव्यमान भी है, वो हैवी भी है, ठीक। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, अगली नेक्स्ट बात उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जो हमारा प्रोटॉन का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है, ये बात तो जे थॉमसन ने भी बता दी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो मतलब अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे तभी तो एटम क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगली बात देखो कि यहां पर उन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने बताई, ठीक है। अब उन्होंने ये जो कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष कैसे निकाल पाए वो, कि इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन है वहां, ये तो सबको पता है, बट घूम रहा है ये बात रदरफोर्ड ने कैसे बताई। तो देखो उसके पीछे भी एक रीजन है कि जैसे हमें पता है कि ये मान लो हमारा सन है, इस सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, वैसे ही जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो सन अर्थ के चारों तरफ, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है अराउंड में, ठीक है। अब सन की जो ग्रेविटी है वो लगातार अर्थ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो भाई अर्थ को तो सन के अंदर समा जाना चाहिए था, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाना चाहिए था उन्हें, मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, एटम तो क्या है, एटम तो स्टेबल है। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन है और वो इससे जाकर चिपक भी नहीं रहा है, इससे जाकर वो न्यूट्रलाइज भी नहीं कर रहा है, एटम का स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, तो उन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि फिर ये अपनी जो एनर्जी है, ये जो फोर्स है, इसको घूमने में यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, कि जैसे अर्थ जो है वो लगातार घूम रही है तभी वो सन में नहीं समा रही है। अगर अर्थ इस तरह से सन के चारों तरफ घूमना बंद कर देगी तो सन उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है किसके इक्वल है, भाई ये जो फोर्स होता है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो बल है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है और आपका जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का बल है, वो बल, और साथ ही में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों तरफ, क्योंकि अगर वो रुक गया तो क्या हो जाएगा, वो जाकर के न्यूक्लियस में समा जाएगा और एटम का जो स्थायित्व है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा शार्क जो होती है, शार्क मछली, वो अगर तैरना बंद कर दे तो वो सांस नहीं ले पाती है, वो सांस तभी तक ले पाती है जब तक वो तैर रही है, क्योंकि उसके गिल्स में कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो होना चाहिए। अगर वो रुक जाएगी तो वो वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा और वो ऑक्सीजन सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी।
इसलिए शार्क जो आपकी जो शार्क मछली होती है या जो शार्क होती है वो कंटिन्यूअस तैरती रहती है पूरी जिंदगी में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है जब तक इस एटम में है वो कंटिन्यूअस घूमता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो रुका तो क्या है, उसकी मौत तय है, वो मर जाएगा, मतलब एटम का जो स्थायित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात किसने समझ ली? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने उसके अकॉर्डिंग कि भाई एटम का स्टेबिलिटी भी है, उसका स्थायित्व खत्म नहीं हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है उसके चारों तरफ, क्लियर। और घूम रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, क्लियर इतनी बात। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई, ठीक। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक भी आए, वो भी मैं यही बता देता हूं। चलो देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक तो ये था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो जो भी चीज घूम रही है कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी तो धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। भाई अगर हम भी लगातार घूमेंगे फिरेंगे कहीं भी जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट ये तो कंटिन्यूअस घूम ही रहा है, इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी खत्म हो गई तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कंटिन्यूअस घूम ही रहा है, इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, मतलब एटम का स्टेबिलिटी हमेशा बनी हुई है, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है ये परिभाषित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है फिर भी उसकी ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा है, ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है और परमाणु का स्थायित्व बना हुआ है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे, ठीक है। बाकी रदरफोर्ड ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो वही बताई जो कि आज हम पढ़ते हैं। प्रोटॉन सेंट्रल में होता है और उसके साथ कुछ ना कुछ मास भी होता है, ये भी उन्होंने एक तरह से बता ही दिया था, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ऑर्बिट्स हैं उनमें क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब जो एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है और खाली है, क्लियर। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। तो ये कुछ रदरफोर्ड के मॉडल की ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट जो है हमारा, हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट है हमारा बोहर मॉडल, बोर्स का मॉडल। देखिए, हमने रदरफोर्ड का मॉडल हो गया हमारा, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल के जो फेलियर्स थे, ठीक है, मतलब रदरफोर्ड जिन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उनमें से एक पॉइंट हमारा क्या था कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये था कि जो भी सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस होती है, और अगर लॉस होती है तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आकर जो है कहाँ पर आकर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर आकर के वो, और एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हो रहा, एटम तो स्टेबल है, इसीलिए इसी बात को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब बोहर ने अपने मॉडल में उसी चीज को एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्यों आकर न्यूक्लियस से चिपक नहीं जाता है, क्यों जो है एटम का जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। तो हम बोहर्स मॉडल देखते हैं। बोहर्स ने ये कहा, ठीक है, बोहर्स ने सबसे पहली बात ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, एक जो सर्कुलर ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ वहाँ रिवॉल्व हो रहा है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ घूम रहा है या वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब हम उसे यहाँ भी मान सकते हैं, 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 ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी और इसी वजह से वो उनके मॉडल का एक ड्रॉबैक था। बट हमारे जो बोर्स हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, इसकी जो ये पोजिशन है ये फिक्स होती है, ठीक है, ये इसको चेंज नहीं करता है,
नॉर्मल सिचुएशंस में ये इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमेगा और अपने मन से ये मान लीजिए ऑर्बिट चेंज कर रहा है, तो ये तो एक समय में आकर के और न्यूक्लियस में आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में यहां पर ये घूम रहा है, ठीक है। अब इसी वजह से ये न्यूक्लियस से आकर के अटैच नहीं होता है और जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो बोहर्स ने फर्स्ट मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उस थ्योरी का यहां पर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे अर्थ के सराउंड में मून घूम रहा है या सन के अराउंड में अर्थ घूम रही है, ठीक है। तो अब मून क्या अर्थ पर, मून और अर्थ ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या जो मून का ऑर्बिट है वो बार बार चेंज तो नहीं होता है, वो तो हमेशा वही रहता है। भाई चंद्रमा जो मून है वो हमें हर 15 दिन में घटता है बढ़ता है, उसका जो ये रूटीन है ये तो कई सालों से कई सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि उसका जो ऑर्बिट है और अर्थ का जो ऑर्बिट है दोनों ऑर्बिट कैसे हैं, फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स है, वैसे ही यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसका भी न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में जो ऑर्बिट है वो फिक्स है, ये बात बोर्स ने बताई, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर या फिक्स्ड ऑर्बिट हम बोल सकते हैं इसको, फिक्स्ड ऑर्बिट, क्योंकि जो फिक्स्ड होगा उसको तो हम ऑर्बिट बोलेंगे, अर्थ के ऑर्बिट में कई सारी चीजें होती है, वैसे ही यहां पर न्यूक्लियस के ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अब अगर ऑर्बिट फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है, वो यहां से ना यहां आ रहा है और ना पीछे जा रहा है, तो अगर ऑर्बिट फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऑर्बिट छोड़ देगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के और पास आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है तभी तो वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है रिपेल करके और उसको अगेंस्ट करके उसको उसका विरोध करके वो कहाँ जा सकता है, बाहर जा सकता है। भाई कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है आपका, मेटल है या फिर दूसरी कोई चीज़ है, उसको आप अगर गर्म करते हो, हीट देते हो, ठीक है, जैसे सोलर पैनल है जब उस पर सनलाइट आता है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अगर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को क्या करने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे। बट नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है, और ऑर्बिट फिक्स है इसीलिए इसकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स है, बिना एक्सटर्नल एनर्जी के। एक्सटर्नल एनर्जी अगर आपने प्रोवाइड की तब तो फिर उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से कोई ऊर्जा उसको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसका एनर्जी भी यहाँ पर फिक्स है। तो हम दूसरी बात यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो भी कैसी है, वो भी फिक्स्ड है, ठीक, ये दूसरी बात हो गई। तो अब एनर्जी फिक्स्ड है, दैट मींस कि उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ना ही वो एनर्जी को गेन कर रहा है, ये बात बोल सकते हैं हम। तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन neither gain nor loss एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है उस सर्कुलर पार्थ में घूमते समय, ठीक है। अपने आप अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तब तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो जैसा मैक्सवेल ने कहा था कि भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो एनर्जी लॉस करता ही है, वो बात यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई कि रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, अपना जो कक्ष है, ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, कक्ष, हम बोलते हैं ना कि धरती की कक्षा में भारत ने इतने सैटेलाइट छोड़े या अमेरिका ने इतने सैटेलाइट छोड़े, तो कक्षा, ऑर्बिट का मतलब है यहाँ पर कक्षा, ये रही कक्षा। फिर
वो कैसी है? फिक्स्ड है। एनर्जी, ऊर्जा, वो भी कैसी है? फिक्स्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, तो वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी। फिर इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लॉस एनर्जी, ना तो वो ऊर्जा उस कक्ष में घूमते समय वो ना तो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और ना ही ऊर्जा को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर इसके अलावा हमारे जो बोर्स थे उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो होता है इसके सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसके सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब जो ऑर्बिट या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ेंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी आगे वालों के कंपैरिजन में बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आपका ये अगला ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, पीछे वाले की। ठीक, अगर मैं इसके पीछे एक और ऑर्बिट बना देता हूँ उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक और ऑर्बिट बना दिया उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार ऑर्बिट है। ठीक है, उन्होंने इनको नेमिंग भी की कि के एल एम और एन, इनको हम बोल सकते हैं। तो के मतलब कि सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और एन मतलब जो सबसे दूर वाला ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, मतलब कि वो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको अगेंस्ट कर रहा है, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको खींच नहीं पा रहा, क्योंकि वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो उसका जो ऑर्बिट है वो बड़ा हो गया। ठीक है, आप देखिए कि सोलर सिस्टम में भी जो प्लेनेट तेजी से घूमते हैं, ठीक है, वो सन से क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। आप अगर मान लीजिए आप एक धागे में पत्थर बांधकर घुमाते हैं, ठीक है, और उस धागे को आप जोर से घुमाते हैं और तो पत्थर भी जोर से घूमता है। अगर आप घूमते घूमते उस पत्थर को आपने छोड़ा तो वो पत्थर कहाँ जाएगा, दूर चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूम रहा है कि वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस से उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। फाइन, अगर आप उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देंगे जिसको न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन भी उस पत्थर की तरह यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फाइन, तो बिना एक्सटर्नल एनर्जी के कोई भी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी को रिवॉल्व होते समय ना उसको ग्रहण कर रहा है ना ही उसको उत्सर्जित कर रहा है। क्लियर इतनी बातें। फिर हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद में हर ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं, वो सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी इतना आप समझिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस से जो भी ऑर्बिट जितना पास होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो ऑर्बिट जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे बोर्स मॉडल का वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट है, ठीक है, अब ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम माने तो ऑर्बिट तो इन्फिनाइट हो सकते हैं। ठीक है भाई, ऑर्बिट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ 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 बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइट हो सकते हैं ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जा कर के रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उन्होंने कहा इक्वेशन है आपकी एल इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक, यहां पर L क्या है, यहां पर L है आपका एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग। H जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, जो कि हम सबको पता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। ठीक, और n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये बोला ना, n का मतलब अगर हमने कहा कि n बराबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहले ऑर्बिट में। ठीक है, मैंने कहा n बराबर 2 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरे ऑर्बिट में है। इसी तरह से 3-4 आगे भी बढ़ते जाएंगे, तो ये n इज इक्वल टू 1 मतलब पहला ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 मतलब दूसरा ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड, और n इज इक्वल टू 4 मतलब चौथा ऑर्बिटल। तो n जो है वो बेसिकली एक नंबर है जो कि उससे हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्बिट कौन सा है। चौथा मतलब नाभिक से चौथे नंबर वाला। ठीक है, n बराबर से 3 मतलब नाभिक से तीसरे नंबर वाला। तो अब इसको लेकर के आते हैं वापस, इन्हें ना इक्वेशन दिया कि l इज इक्वल टू n
एच बाय टू पाई। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में उन्होंने ये बताया कि यहां पर एल मतलब क्या है, कोणीय संवेग। तो जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ठीक है एच बाय टू का सरल गुणक होगा, क्या होगा फिर से सुनो, कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच बाय टू पाई का सरल गुणक होगा, क्योंकि एन तो नंबर है, एन में नंबर क्या हो सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये नंबर हो सकते हैं, 1.5 या 1.2.5 नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, आप यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.5 ऑर्बिटल में है, ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है, या तो वन में होगा या टू में होगा, यहां पर बीच का कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। तो बस वही चीज है कि सरल गुणक होगा, किसका सरल गुणक होगा, एच बाय टू पाई का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर सरल गुणक है किसका, एच बाय टू पाई का, ठीक है, तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एन बराबर लिख देता हूं वन, एन बराबर वन हो या एन बराबर टू हो या कोई भी नंबर हो, वो सरल गुणक ही होगा एच बाय टू पाई का। तो ये इन्होंने इक्वेशन दिया कि कोणीय संवेग, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर एच अपॉन टू पाई का सरल गुणक है तो आप कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में होगा। फाइन, ये इतनी सी बात इन्होंने इक्वेशन के थ्रू समझाई। आप चाहे तो एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है एम वी आर, ठीक है, एम वी आर का मतलब, एम मतलब मास, मास ऑफ, भाई एंगुलर मोमेंटम किसका निकाल रहे हैं हम, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, तो यहां पर मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस कौन सा होगा, जिस रेडियस, जिस ऑर्बिटल में वो घूम रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, अब उसकी यहाँ पर वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन वेलोसिटी की ये हो गई, ठीक है, अब ये जो रेडियस है ये आर है, तो रेडियस बराबर से आर है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि, फिर से सुनो उस स्टेटमेंट को, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर एच अपॉन टू पाई का सरल गुणक है तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा। क्लियर इतनी बात, चलिए। तो ये हमारा बोर्स मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बोर्स ने जो रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के बाद भी वहां पर वो क्यों स्टेबल है एटम, उसको यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है बट फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसी वजह से वो ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लॉस करता है, और इसीलिए एटम का जो स्थायित्व है, परमाणु का जो स्थायित्व है, वो बना रहता है। क्लियर इतनी बात, चलिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं पहले, कि जैसे अभी एक टर्म आया ऑर्बिट, ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होता है भाई, ऑर्बिटल क्या होता है, फिर उनके साइज और शेप क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें जो आगे इस चैप्टर में आने वाली दूसरी चीजों को पढ़ने के लिए जरूरी है। जैसे अभी हम क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं, तो क्वांटम नंबर में क्या होगा, ऑर्बिट्स टर्म आएगा, वो क्या होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, ऑर्बिटल आएगा, शेल आएगा, सबशेल आएगा, फिर उसके बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। तो सबसे पहले हमने बात की ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट वो सर्क्यूलर पाथ है, ठीक है, ऑर्बिट जो है वो सर्क्यूलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर इतनी बात, ठीक। पहला टर्म हो गया ऑर्बिट, ये लिख दिया मैंने ऑर्बिट, इसको हिंदी में बोला जाता है कक्ष या कक्षा, फाइन। दूसरा है आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑर्बिटल को देखो, क्या कैसे समझ सकते हैं हम ऑर्बिटल को, भाई आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा है, क्लियर, बट इस सर्क्यूलर पाथ में वो कहां पर है वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि भाई इस पूरे के पूरे सर्क्यूलर पाथ में ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो उस पूरे सर्क्यूलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो बेसिकली ऑर्बिटल क्या बताता है, ऑर्बिटल आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस सर्क्यूलर पाथ में कहां पर है, क्लियर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल वो जगह है उस सर्कुलर पाथ में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, ठीक है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। फाइन, कि भाई इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में है ये आपने बता दिया, पर उस सर्कुलर पाथ में कहां पर है वो कौन बताएगा? वो ऑर्बिटल बताएगा, क्योंकि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात कर ली। अब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अलावा आप शेल और सबशेल की भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो शेल तो इसी को बोलते हैं, जो कक्ष है उसी को शेल बोला जाता है। और सबशेल जो होता है, जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए डी सबशेल है, ठीक है, डी सबशेल है या डी ऑर्बिटल है, तो ये मैंने बनाया डी, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इसके पार्ट्स बना दिए। या पी बनाया, तो पी जो है इसमें 3 होता है, ठीक है, ये बना दिया मैंने पी एक्स पी वाई और पी जेड। एस जो है हमारा, उसके पास तो एक सिंगल सा होता है, और एफ जो होता है उसमें 7 होते हैं, ठीक। चलो, तो शेल मतलब ये सर्कुलर पाथ, इसी को शेल बोलते हैं। सबशेल का मतलब होता है जिसके अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं उसे सबशेल बोलते हैं, ठीक है। या सबशेल और ऑर्बिटल को कहीं कहीं पर एक भी बोला जाता है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सबशेल बोल लीजिए, आप ऑर्बिटल बोल लीजिए, एक ही चीज होती है। थोड़ा बहुत आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई पी सबशेल, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसी को मिला के हम सबशेल बोलेंगे। आपने कहा कि डी सबशेल, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, और उसी को डी सबशेल बोल दो, डी ऑर्बिटल भी बोला जाता है, डी ब्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है, एफ में 7 है। तो इस तरह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये रहा शेल, फिर सबशेल जिसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और फिर इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रही बात? कि मतलब कि ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये मेरा सबशेल है, ये मैंने एस बना दिया, ठीक है, वैसे एस गोलाकार होता है, ये मैं इसको गोली बना देता हूं, ये एस सबशेल है, और फिर इस एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर होता है? शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल में फिर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्लियर। तो यहां पर हम 4 ऑर्बिटल पढ़ेंगे, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। यहां पर एस जो ऑर्बिटल होता है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब इस तरह से गोलाकार। मैं लिख देता हूं यहां पर शेप गोलाकार। पी जो है, पी ऑर्बिटल जो होता है, इसका जो शेप होता है ये डंबल शेप का होता है, इस तरह से, जैसे जिम में डंबल उठाते हैं उस तरह का शेप होता है इसका। और डी जो है, इसका शेप डबल डंबल की तरह होता है, 2 डंबल है इसके अंदर, ये इस तरह से। और एफ जो, इसमें तो कई सारे होते हैं, और एक जी भी होता है, बट वो तो खैर अभी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एस पी डी एफ 4 तरह के ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल कहां पाए जाएंगे? ऑर्बिट के अंदर, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और इनका जो शेप है, ये एस का गोलाकार होता है, इसका डंबल आकार होता है, इसका डबल डंबल होता है, और इसमें कई सारे डंबल होते हैं, क्लियर। चलो, तो ये हो गई एसपीडीएफ की बात। फिर हम बात करते हैं एसपीडीएफ के बाद एक और बहुत जरूरी चीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखो, कोई भी एटम है, उसको वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि भाई हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो हर कोई सेटल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, भाई अच्छा जॉब लग जाए वगैरह वगैरह। तो वैसे ही एटम भी क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? या तो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के कोई मॉलिक्यूल बना लेता है,
या फिर कोई कंपाउंड बना लेता है, इस तरह की चीज़ें करता है, या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके वो स्टेबल हो जाता है, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, यही सारी चीज़ें करता है। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका एटम है, वो स्टेबल है या नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, कि भाई आप किन कंडीशन में कहेंगे कि ये जो एटम है ये स्टेबल है। अब एटम तो खुद बोलेगा नहीं ना, तो साइंटिस्ट ने रूल्स बनाए हैं कि भाई अगर हमारे ये रूल्स ये फॉलो करता है एटम, तो मतलब कि उसको क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। और उन्होंने ये कैसे पता लगाया, उन्होंने स्टेबल एटम्स की स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई ऐसा ऐसा इनके अंदर होता है तभी ये स्टेबल है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया, जिसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, कि अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसकी कंडीशन क्या दी, कि उसके पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर कोई एटम को आप स्टेबल बोल रहे हो, दैट मींस कि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर दो से कम है, अगर एक भी है, तो भी आप उसको स्टेबल बोल सकते हो, जैसे कि हाइड्रोजन है। बट अगर दो से ज़्यादा हो गए तो फिर वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो अगले ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से। फर्स्ट में दो, सेकेंड वाले में कितने होंगे, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन एन वाले में, फिर सॉरी के वाले में, के एल दूसरे वाले में आठ, दो आठ, ठीक, फिर उसके बाद फिर से एट और फिर एटीन। और ये डिपेंड करता है कि एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए किसी एटम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, या 19 है, या 20 है, ठीक है। मान लीजिए ये कैल्शियम है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, कि ये कैल्शियम का जो है न्यूक्लियस, इसके पास प्रोटॉन जो है वो 20 है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो पहले में कितने रखना है हमको, दो, दो से ज़्यादा नहीं रख सकते। दो से ज़्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो पहले में दो, दूसरे में कितने रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आठ। ये दूसरे में हमने आठ रख दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ये आठ हो गए। फिर थर्ड वाले में, अब यहाँ पर आप देखो कि आपका जो कैल्शियम है, दो तो उसके आपने फर्स्ट में रख दिए, आठ उसके अगले वाले में रख दिए, तो हो गए दस। अब बचे कितने इसके पास, अभी भी दस बचे हैं, तो दस बचे हैं, तो फिर क्या होगा, अगले वाले में क्या दस के दस आ जाएंगे, नहीं, अगले वाले में फिर से आठ आएंगे, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से एट आ जाएंगे, और फिर जो दो बच गए वो कहाँ जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, बट इतना तय है कि 2, 8, 8, 18 के हिसाब से ही ये अरेंज होगा, ठीक है। और इस पर अगर इलेक्ट्रॉन्स में नंबर कम ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो अरेंज अपने आप हो जाते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक। तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन, क्या बोला जाता है इसको, ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन 2, 8, 18 वाला, ठीक है। और एक होता है ये ऑर्बिट हो गया, दूसरा होता है ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन, जो हम 1s 2s इस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको भी अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्लियर। चलो, तो अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स, कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा कि कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए, ठीक है, कि अगर भाई आपको इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर फाइंड आउट करना है, तो वो कुछ नंबर्स आपके, चार तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, अगर वो चारों क्वांटम नंबर आपको पता है किसी इलेक्ट्रॉन के, तो आप बता सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस शेल में है, सॉरी किस सब शेल में है, और सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, और वो उसका जो रोटेशन है वो किस तरह का है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की जो है, वो आप उन चार क्वांटम नंबर से बता सकते हो, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, वो हम ले रहे हैं क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की के बारे में सारी जानकारियां वो दे देती है। तो ये लिख दिया मैंने क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या, ठीक है। चल, अब क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की है। पहली है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रधान क्वांटम संख्या, ठीक।
दूसरी है हमारे पास एजीमिथल क्वांटम नंबर, इसको बोला जाता है द्विगंशीय द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये लिख दिया चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट वन जो है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, तो ये चारों के नाम मैंने पहले लिख दिए ताकि हमें पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे हैं, क्वांटम संख्याओं का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सारी जानकारी हमको देना कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है, कहां पर वो किस ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है और वो किस तरह से रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पहला प्रधान, फिर द्विगंशी, फिर चुंबकीय और चक्रण, ये चारों क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग अलग जानकारी देती है। कोई ऑर्बिट के बारे में बताती है, कोई ऑर्बिटल के बारे में बताती है, कोई शेप साइज के बारे में बताती है, ठीक है, कोई संख्या के बारे में बताती है, कोई उसके चक्रण मतलब स्पिन के बारे में बताती है। ठीक है, चलो तो इनको अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी प्रधान क्वांटम नंबर या प्रधान क्वांटम संख्या, ये क्या करती है, तो ये जो क्वांटम संख्या है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, मतलब कक्ष के बारे में, कक्ष के बारे में बताती है प्रधान क्वांटम संख्या। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, हम एन से, प्रधान क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर मैंने कहा कि एन बराबर से एक, मतलब कि जो कक्ष है वो कौन सा है, वो पहले नंबर का कक्ष है, ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रही है, कक्ष के बारे में बता रही है। कक्ष के बारे में बता दिया, दैट मीन्स कि उसने उसकी एनर्जी के बारे में बता दिया, ऊर्जा के बारे में बता दिया कि भाई n बराबर से एक मतलब वो पहला कक्ष है, पहला कक्ष की एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। तो प्रधान क्वांटम संख्या कक्ष के बारे की, कक्ष का संख्या भी बता देती कौन सा कक्ष है, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी उसी से पता चल जाता है कि भाई अगर आपने कहा कि दूसरा ऑर्बिट है मतलब कि उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी हाई है, तीसरा है और हाई है, चौथा है और हाई, जितना आउटर मोस्ट आप जाते जाओगे बाहर की तरफ तो उतनी ही एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रधान क्वांटम संख्या है जो हमारी, वो क्या बताती है, वो बताती है कक्ष के बारे में, वो कक्ष की संख्या के बारे में। एन बराबर से एक मतलब कौन सा ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये देखो जैसे मैंने लिखा एन बराबर से एक मतलब वो ऑर्बिट कौन सा है, के, n बराबर से दो मतलब l, n बराबर से तीन मतलब m, और n बराबर से चार मतलब n, फाइन। तो ये इनके बारे में बताती है आपकी प्रधान क्वांटम संख्या, मतलब आपको प्रधान क्वांटम संख्या अगर किसी इलेक्ट्रॉन की पता है तो आप ये बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ठीक है, ये आपको एक छोटा सा आपको आइडिया लग जाता है कि किस ऑर्बिट में है, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, क्लियर। तो ये तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी बात हम करते हैं कि प्रधान के बाद आती है हमारी दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी थी, दूसरी क्वांटम संख्या थी हमारी एजीमिथल मतलब द्विगंशी क्वांटम, ठीक है, तो दूसरी जो क्वांटम संख्या है हमारी वो है द्विगंशी मतलब एजीमिथल। अब ये क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, पहली क्वांटम संख्या में ने हमें बता दिया कि जो ऑर्बिट है हमारा वो कौन सा है, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है, अब दूसरी और उस इलेक्ट्रॉन उसी में है तो दूसरी क्वांटम संख्या हमें क्या बताएगी, दूसरी क्वांटम संख्या बताएगी हमें कि जो ऑर्बिटल है उसके बारे में बताएगी, किसके बारे में बताएगी दूसरी क्वांटम संख्या, ये ऑर्बिटल के बारे में, क्लियर। ऑर्बिटल के साथ साथ और क्या बताएगी ये, देखो ऑर्बिटल के बारे में कैसे, सबसे पहली चीज तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है, पहली बात तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमें, ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि ये जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, ये रहा ऑर्बिट और इसी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा S ऑर्बिटल तो S ऑर्बिटल गोलाकार होगा, मैंने कहा P ऑर्बिटल है तो P ऑर्बिटल इस तरह का होगा, D ऑर्बिटल डबल डंबल शेप में होगा, तो ये ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में कैसे, जैसे मैंने अगर कहा
कि भाई L बराबर से जीरो है, ठीक है, L बराबर से क्या है, जीरो है, मतलब कि वो कौन सा ऑर्बिट के बारे में बता रही है, वो S ऑर्बिट के बारे में, S ऑर्बिटल के बारे में या S सबशेल के बारे में बता रही है, ठीक है, और S सबशेल के बारे में बता रही है और उसका आकार वगैरह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि S जो है वो कैसा होता है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो इस तरह से स्फेरिकल होता है। तो अगर L का आपने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू जीरो है, मतलब कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, S में है, ठीक। अगर आपने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू वन है, तो वो कौन से ऑर्बिट में है, होगा P में होगा, और P का शेप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो पहली जो क्वांटम संख्या थी वो ऑर्बिट के बारे में बता रही थी, और दूसरी क्वांटम संख्या वो किसके बारे में बता रही है, वो ऑर्बिटल के बारे में बता रही है, ठीक है। अब ऑर्बिट अगर आपको पता चल गया तो उसका साइज शेप तो हमको पहले से पता ही है कि S गोलाकार होता है और P जो है वो डंबल आकार का होता है। तो L बराबर से जीरो है तो S होगा, L बराबर से एक है तो P होगा, और L बराबर से दो है तो क्या होगा, D होगा। D का शेप, D का शेप इस तरह से डबल डंबल बना लो, और L बराबर से तीन है तो क्या होगा, F होगा। F का शेप किस तरह से, इस तरह से, कई सारे इसमें लोब्स हैं, ठीक है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के बारे में बताती है कि ऑर्बिटल कौन सा है, उसका साइज शेप कैसा है। अगर ऑर्बिटल कौन सा है ये पता चल गया तो साइज शेप तो हम पहले से ही पता ही है हमें कि उनका साइज शेप क्या होता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या L के बारे में बताती है, मतलब ऑर्बिटल के बारे में बताती है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्वांटम संख्या आपको पता है, मतलब आपको ये पता है कि वो किस ऑर्बिट में है और किस ऑर्बिटल में है, इतनी चीज क्लियर हो गई, चलो ठीक है। मतलब कि अगर मैंने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की के लिए एन बराबर से एक है, ठीक है, एन बराबर से एक है मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और n बराबर से जब एक होता है तो l बराबर से जीरो है, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में है या s सबशेल में है, फर्स्ट ऑर्बिट के s सबशेल में है। फिर मैंने कहा कि भाई n बराबर से दो है, मतलब कि l बराबर से यहां पर क्या हो जाएगा, l बराबर से क्या हो जाएगा, जीरो और वन, l बराबर से जीरो और वन। जीरो और वन का मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, जीरो और वन, मतलब कि वहां पर एस ऑर्बिटल भी है और पी भी है, दोनों चीजें प्रेजेंट है वहां पर। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कहां होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाते हैं, जिस ऑर्बिटल में उनको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कौन सा है भाई, पूरे यूनिवर्स में जो शेप होता है स्फेरिकल शेप, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आप कोई सा भी प्लेनेट ले लीजिए, वो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। आप वाटर ड्रॉप्स लीजिए, वो कैसी होती है, गोल होती है। तो जो गोल आकार होता है, गोलाकार, वही सबसे ज़्यादा स्थाई होता है, ठीक है। और इसीलिए यूनिवर्स की हर चीज़ गोलाकार शेप में ही आने की कोशिश करती है, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेनेट हो या छोटे से छोटा क्या हो, आपका एटम हो। तो एन बराबर से एक मतलब एल बराबर से जीरो, एन बराबर से दो मतलब एल बराबर से जीरो और वन, ठीक है। फिर अगर मैंने लिखा n बराबर से 3, मतलब l इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक। और n बराबर से 4, मतलब l इक्वल टू 0, 1, 2, 3, क्लियर। तो कहने का मतलब कि पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें एक ही सबशेल होता है, दूसरा जो ऑर्बिट होता है उसमें दो सबशेल होते हैं s और p, तीसरा जो ऑर्बिट होता है उसमें तीन सबशेल होते हैं, कौन कौन से, s, p और d, और चौथा जो ऑर्बिट होता है उसमें चार सबशेल होते हैं s, p, d और f। इतनी बात क्लियर। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की हमें दो क्वांटम संख्याएं पता है, मतलब कि पहली चीज तो हमको यह पता है कि वो किस ऑर्बिट में है और किस ऑर्बिट के कौन से सबशेल में, किस शेल के कौन से सबशेल में, इतनी बात क्लियर।